आधा घंटा खत्म हो पाएगा, देखते हैं। चल यहाँ ध्यान दे, हम लोग पढ़ा दिए थे मौर्य काल इतिहास तुम लोगों को पूरा पढ़ा लिए थे। कितना वीडियो बना था कम से कम? 4-5 वीडियो बना होगा, ठीक है ना? पूरा पढ़ा दिए हैं, आज उसका रिवीजन करवा रहे हैं। 712 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक पूरा रिवीजन कराते हैं, जो मेन मेन पॉइंट होगा वो सब बता देते हैं। तो हम बता जानते हैं कि मौर्यकालीन इतिहास शुरू कहाँ से होता है? मुस्लिम आक्रमण से होता है। कब से होता है? मुस्लिम आक्रमण से। तो बता, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? अरब। कौन था? अरब मुसलमान था, यानी अरब मुस्लिम जो है भारत पर पहला आक्रमण किया था। कौन किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। और कौन राजा उस समय भारत में, मतलब राजा कौन था? तो उस समय था राजा कौन था? दाहिर। राजा कौन था? दाहिर राजा था, ठीक है? राजा दाहिर। और राजा दाहिर पराजित हो जाता है और उसके पत्नी होता है क्या, उसके पत्नी का नाम होता है रानी बाई। क्या होता है? रानी बाई जौहर कर लेता है। क्या कर लेता है? जौहर मतलब आग में कूद कर जान दे देना, जौहर बोलते हैं, ठीक है ना? तो रानी बाई जौहर कर लेता है। तो भारतीय इतिहास में पहला जौहर किसके द्वारा किया गया? तो रानी बाई के द्वारा किया गया था। तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करता है, ठीक है ना? और राजा दाहिर पर आक्रमण करता है। और जो राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच जो युद्ध होता है उसको क्या बोलते हैं? रावर का युद्ध। क्या बोलते हैं? रावर का युद्ध। क्या बोलते हैं? रावर का युद्ध, ठीक है ना? और मोहम्मद बिन कासिम जब भारत पर आक्रमण करता है तो भारत पर जो है जजिया, क्या बताए थे? जजिया कर वसूलना प्रारंभ कर देता था। किस कौन कर वसूलना प्रारंभ करता है? जजिया कर। तो बोलेगा बता भारत में जजिया कर लागू करने वाला पहला राजा कौन था, पहला सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम भारत में जजिया कर वसूलना शुरू करता है। जजिया कर क्या है? तो गैर मुसलमान बोले तो हिंदू से लिया जाने वाला कर, हिंदू से लिया जाने वाला कर। लेकिन ये ब्राह्मण पर नहीं लगाया था, बताया था ना, ये ब्राह्मण पर जजिया कर नहीं लगाया था। ब्राह्मण हो गया, बूढ़ा हो गया, बच्चा हो गया, विकलांग हो गया, महिला हो गया, उस पर जजिया कर नहीं लगाया था। ये सब बता चुके हैं। फिर बताए तुम लोग को बताएं कि ब्राह्मण पर जजिया कर लगाने वाला कौन है? तो बताएंगे ब्राह्मण पर जजिया कर लगाने वाला कौन है? फिरोज शाह तुगलक है, बताएंगे ना आगे। फिर तुम लोग को बताया था कि जब मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण किया था तो इसका मेन काम था क्या? तो इस्लाम का प्रचार करना और धन उनको लूटना था, ठीक है ना? फिर बताया था तुम लोगों को कि मोहम्मद बिन कासिम जब भारत पर आक्रमण करता है तभी, मतलब भारत में दो चीज़ करता है, एक तो ऊँट लाता है। क्या लाता है? बताया था ना, एक तो क्या लाता है? ऊँट। और भारत में सर्वप्रथम खजूर का खेती प्रारंभ करवाता है कौन? मोहम्मद बिन कासिम। फिर बताए थे एक सिक्का जारी करता है जिसका नाम है दिरहम। क्या बताए थे? एक तो सिक्का जारी करता है जिसका नाम क्या था? दिरहम। क्या था? दिरहम था, बताया था ना। फिर मोहम्मद बिन कासिम के बाद जो, मतलब भारत पर अगला जो मुसलमान के शाखा आक्रमण करता होता है तुर्क। क्या होता है? तुर्क होता है। और तुर्क का जो स्थापना की थी, तुर्क में सबसे पहला जो करता है आक्रमण करता है सुबक्तगीन। कौन करता है? सुबक्तगीन करता है। लेकिन सुबक्तगीन का आक्रमण उतना फेमस ना है। तो सुबक्तगीन के बाद कौन आएगा? गजनबी। कौन आएगा? ठीक है ना, गजनबी आएगा। कौन आएगा? तो महमूद गजनबी। कौन आएगा? महमूद गजनबी आएगा। और ये भारत पर कितना बार आक्रमण करता है? तो बताया था 17 बार आक्रमण करता है। कितना बार करता है? ये भारत पर 17 बार आक्रमण करता है, जिसमें से सबसे 15वां आक्रमण होता है किस पर? सोमनाथ मंदिर पर। किस पर होता है? 15वां आक्रमण होता है सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में होता है। जो सोमनाथ मंदिर कौन सा भगवान का मंदिर है? तो भगवान शिव का मंदिर है। किसका मंदिर है? भगवान शिव का मंदिर था, बताए थे ना। फिर तुम लोग बताए थे महमूद गजनबी के साथ कुछ विद्वान आए थे, बताए थे? तो महमूद गजनबी के साथ जो विद्वान आया था उसका बताया था ट्रिक, बताया था क्या कि याद रखना फूफा आया था। क्या आया था? बताए थे ना कि महमूद गजनबी के साथ कौन आया था? फूफा। कौन आया था? एफ से फिरदौसी, यानी पूछेगा फिरदौसी किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनबी के साथ, ठीक है ना। यू से उत्वी पूछेगा किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनबी के साथ। एफ मतलब फारूकी पूछा किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनबी के साथ। एल फोर पूछेगा अलबलूनी किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनबी के साथ, बता दिए थे ना। फिरदौसी के बारे में बताया था कुछ कि बताओ शाहनामा का लेखक कौन है? तो फिरदौसी। कौन है? उत्वी बताए थे कि यामनी ए हिंद का लेखक कौन है? तो उत्वी। कौन है? और अलबलूनी के बारे में बताया था कि इसके बारे में बताया था किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अलबरूनी। और पहला ये मुसलमान है जो पुरानों का अध्ययन किया था, पुरानों का बता चुके थे ना। फिर तो लोग बताया था कि महमूद गजनबी का जो भारत पर लास्ट आक्रमण होता है, सत्रहवां आक्रमण होता है 1027 ईस्वी में। यहाँ थोड़ा शॉर्ट चलता है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है खाली वही बता रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे पूरा डिटेल से पढ़ाएं वो वाला देख लेना, 5-6 वीडियो अपलोड है वो देख लेना,
यहाँ पर सिर्फ हम इम्पोर्टेंट चल रहे हैं। तो महमूद गजनवी का 17वां आक्रमण जो भारत पर होता है वो 1027 ईस्वी में होता है। 1027 ईस्वी में होता है, किसके विरुद्ध होता है? तो जाटों का विरुद्ध। किसके विरुद्ध होता है? जाटों के विरुद्ध युद्ध होता है, और जाटों के विरुद्ध युद्ध करने में क्या होता है? इसका मृत्यु हो जाता है। क्या होता है? तो 1027 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया। 1027 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया। अब जो भारत पर आक्रमण करेगा मुस्लिम में, वो करेगा कौन? तो करेगा मोहम्मद गौरी। कौन करेगा? मोहम्मद गौरी करेगा। कौन करेगा? मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी जो है भारत पर जो आक्रमण करता है, पहला आक्रमण करता है, वो करता है 1175 में। 1175 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करता है। याद रखना एक चीज़, हाँ पूछेगा सुल्तान को पारी धारण करने वाला पहला शासक कौन था? तो यही महमूद गजनवी। कौन था? ठीक है ना, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी भारत पर 1175 ईस्वी में आक्रमण करता है। लेकिन जब 1178 ईस्वी में पूरा भारत पर जब आक्रमण करता है, तो इस समय क्या होता है? मोहम्मद गजनवी बुरी तरह से हार जाता है। बुरी तरह से हराने वाला कौन था? तो हराने वाला था भीम द्वितीय। कौन था? गुजरात के शासक था भीम द्वितीय। ठीक है ना, सोलंकी वंश के भीम द्वितीय था। तो पूछेगा बता मोहम्मद गौरी का भारत में प्रथम पराजय कब हुआ था? 1178 ईस्वी में। ठीक है ना, कौन किया था? भीम द्वितीय किया। कौन किया था? भीम द्वितीय किया था। फिर बताया था कि मोहम्मद गौरी फिर भी भारत पर आक्रमण करता है, और 1191 ईस्वी में, 1191 ईस्वी में किसके किसके बीच युद्ध होता है? तो 1191 ईस्वी में होता है मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी वर्सेज पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध होता है। ठीक है ना, पृथ्वीराज चौहान को ही हम बोलते हैं पृथ्वीराज तृतीय। क्या बोलते हैं? पृथ्वीराज चौहान को ही क्या बोलते हैं? पृथ्वीराज तृतीय। तो 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध होता है। कहाँ पर होता है? तो तराइन के मैदान में होता है। कहाँ पर होता है? तराइन के मैदान में होता है। तराइन के मैदान कहाँ है? तो हरियाणा में। कहाँ पर है? ठीक है ना, पानीपत भी हरियाणा, तराइन भी हरियाणा। ठीक है, तो तराइन के मैदान में युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है? मोहम्मद गौरी बुरी तरह हार जाता है। जीतता कौन है? पृथ्वीराज चौहान। कौन जीतता है? पृथ्वीराज चौहान जीतता है। ठीक है ना, तो पूछेगा तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो क्या बोलना है? तराइन के प्रथम युद्ध कब हुआ? तो बोलना है 1191 में। किससे किसके बीच हुआ? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। हारा कौन? मोहम्मद गौरी। जीता कौन? पृथ्वीराज चौहान। लेकिन मोहम्मद गौरी जो है मतलब यहाँ से जान बचा के भाग जाता है, बताया था ना, और फिर बोलता है कि हम कभी आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन फिर 1192 ईस्वी में, 1192 ईस्वी में, 1192 ईस्वी में बताया था रात्रि में आक्रमण कर देता, बताया था ना, रात्रि में आक्रमण कर देता है। और इसका पृथ्वीराज चौहान के दुश्मन था कौन? जयचंद। कौन था? जयचंद को भी अपने साथ मिला लेता है। कौन? मोहम्मद गौरी। कौन मिला लेता है? मोहम्मद गौरी जो है जयचंद को अपने साथ मिला लेता है। बताया थे ना, मोहम्मद गौरी साथ कौन मिल गया? जयचंद। कौन मिल गया? यानी जयचंद तो मतलब इसके साथ युद्ध में लड़ने नहीं आता है, लेकिन सब कुछ बता दिया था ना जयचंद। और जयचंद ने मतलब इसका पृथ्वीराज चौहान का मतलब क्या बताए थे? दुश्मन क्यों हुआ? तो बता चुके हैं दुश्मनी क्यों हुआ था इससे, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है ना, तो जयचंद क्या करता है? मोहम्मद गौरी को साथ देता है, मोहम्मद गौरी को साथ देता है। और ये इसको बोलते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध। क्या बोलते हैं? तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध में क्या होता है? तराइन का द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का पराजय होता है, इसको बोलते हैं पृथ्वीराज तृतीय। तो पृथ्वीराज चौहान का पराजय होता है, मोहम्मद गौरी का जीत जाता है, जीत जाता है। और कैसे मतलब जयचंद ने मतलब इसको साथ दिया, तो सब कहानी बताए थे, तो अभी नहीं बता रहे क्योंकि इंपॉर्टेंट खींच रहा है ना। ठीक है ना, तो मोहम्मद गौरी अब तो पूछा बता तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। कौन जीता? तो मोहम्मद गौरी जीता। कौन पराजित हुआ था? पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ। समझ आ गया तुम लोग को? उसके बाद क्या करता है? उसके बाद जो है आगे उल्लेख मिलता है कि मोहम्मद गौरी का जो मृत्यु हो गया था वो हुआ था खोखर जनजाति के विरुद्ध विद्रोह किया था। किसके विरुद्ध? खोखर जनजाति के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो उसी में इसका क्या हुआ? मृत्यु हो गया। क्या हो गया? मृत्यु हो गया मोहम्मद गौरी का। लेकिन एक तो इतिहासकार है जिसको बताए थे, इसका नाम क्या है? चंदवरदाई। क्या है? बताए थे ना, एक इतिहासकार है चंदवरदाई। क्या? चंदवरदाई। चंदवरदाई के अनुसार हम बताएं कि चंदवरदाई लिखाते हैं पुस्तक, इसका नाम क्या था? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो था। ठीक है ना, तो चंदवरदाई के अनुसार, चंदवरदाई के पृथ्वीराज रासो के अनुसार उल्लेख मिलता है कि पृथ्वीराज चौहान ही मोहम्मद गौरी का हत्या कर दिया था इसका दरबार में, इसी का दरबार में। कैसे कहते? उसे कहानी बतेबो किए थे, बताए थे ना, तो अभी तो उतना बताने का टाइम ना है। ठीक है ना, तो 1192 ईस्वी में क्या हुआ? तराइन के द्वितीय युद्ध हुआ, कोई दिक्कत है? फिर 1194 ईस्वी में, 1194 ईस्वी में जयचंद साथ दिया था मोहम्मद गौरी को। जयचंद साथ दिया था मोहम्मद गौरी को, साथ दिया था ना। लेकिन मोहम्मद गौरी तो मतलब ये मतलब जयचंद के साथ क्या करता है? धोखा कर देता है। और 1194 ईस्वी में होता है चंदावार का युद्ध। क्या होता है?
चंदेरी नहीं बोल रहे, चंदेरी बोलेंगे तो अलग होगा, ठीक है ना। हम बोल रहे चंदेरी और बोलेंगे तो हुमायूं के बीच, हुमायूं और सहसा के बीच होगा, लेकिन हम बोल रहे चंदावर, क्या बोल रहे हैं न, चंदेरी होगा बाबर के अथी, बाबर और मेदिनी राय के बीच, ठीक है। चंदावर का युद्ध बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, चंदावर का युद्ध, क्या बोल रहा है, चंदावर। तो बोलेगा चंदावर का युद्ध कब हुआ, तो बोलेंगे 1894 ईस्वी में, किसके किसके बीच हुआ, तो मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, सॉरी जयचंद के बीच, जयचंद के बीच, जिसमें क्या होता है, जयचंद का पराजय होता है, जयचंद का क्या होता है, जयचंद का पराजय होता है, जयचंद को युद्ध के मैदान में ही मारा जाता है, ठीक है ना। तो 1894 ईस्वी में क्या हुआ, जयचंद का भी काम तमाम हो गया। तो पूछेगा बता मोहम्मद गौरी का मृत्यु कैसे हुआ, तो बोलना खोखा जनजाति के विरोध में, ठीक है ना, विद्रोह को दबाने में। पूछेगा लेकिन बताओ कि पृथ्वीराज अथी मोहम्मद गौरी का मृत्यु चंदबरदाई के पृथ्वीराज राजों के अनुसार किस कौन मारा, तो बोलना है पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, यहाँ तक कोई दिक्कत है। फिर तुम लोग को बताया था कि उतना लिखते ना, हम डायरेक्ट बोल देते, कोई दिक्कत है। फिर तुम लोग को बताया था कि अथी मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी के क्या होता है 1206 ईस्वी में इसका मृत्यु हो जाता है, तो इसी का गुलाम होता है, इसी का क्या होता है, इसी का गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, बताया थे ना, इसी का गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 ईस्वी में अपना शासन जो है भारत पर करना स्टार्ट कर देता है, बताया थे ना, 1206 ईस्वी में अपना शासन करना स्टार्ट करेगा, और 1206 ईस्वी में ही इसका राज्याभिषेक होगा, कहाँ पर, तो दिल्ली में नहीं, कहाँ पर, लाहौर में, कहाँ पर होगा, यानी उस समय पाकिस्तान भी तो भारत का हिस्सा था ना, तो लाहौर में इसका मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक होता है, क्या होता है, राज्याभिषेक होता है, ठीक है ना। और जब लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक होता है, तो बताया था तुम लोगों को कि उसी समय से दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होता है, बताया था ना, दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होता है, और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम है, तो मोहम्मद गौरी का गुलाम है, इसलिए उसको बोलते हैं गुलाम वंश, क्या बोलते हैं, बताया थे ना, इसी के समय से गुलाम वंश स्टार्ट होगा, इसी को बोलते हैं मामलुक वंश, क्या बोलते हैं, मामलुक वंश बोलते हैं। तो बोलेगा बता गुलाम वंश का स्थापना किसने किया था, बोला कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का स्थापना कब से हुआ था, 1206 ईस्वी से हुआ था। पूछेगा बता कि गुलाम वंश का स्थापना जब किया था, जब मोहम्मद अथी कुतुबुद्दीन ऐबक किया था, जो अपना राजधानी कहाँ बनाया था, लाहौर बनाया था, कहाँ बनाया था, लेकिन कुतुब याद रखना कि गुलाम वंश हो या दिल्ली सल्तनत हो, दिल्ली सल्तनत का सभी राजा लगभग सुल्तान का उपाधि धारण किया, कैसा उपाधि धारण किया था, सुल्तान का उपाधि धारण किया था, लेकिन जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इस सुल्तान का उपाधि धारण नहीं किया था, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दे, तो यहाँ ध्यान दे कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो किसका किसका उपाधि धारण किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक उपाधि धारण किया था सिपाह सलाल का, किसका, तो बोलेगा सिपाह सलाल का उपाधि किसने धारण किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। पूछेगा मलिक का उपाधि किसने धारण किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। बोलेगा हातिम द्वितीय किसे कहा जाता था, कुतुबुद्दीन ऐबक। बोलेगा कुरान खा किसे कहा जाता था, कुतुबुद्दीन ऐबक। लाखों रुपया दान देने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को बोलते हैं लाख बख्श, क्या बोलते हैं, तो कहेगा लाख बख्श किसे कहा जाता था, कुतुबुद्दीन ऐबक। उपाधि बता दिया ना, फिर बताएंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक क्या कहते थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली में एक मस्जिद का निर्माण कराया था, जिसका नाम था कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, क्या बोल रहे हैं, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद। बोलेगा कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर पूछेगा अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन जहाँ अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा का निर्माण जहाँ करवाया था, वो पहले था एक स्कूल था, क्या था, जिसको बोल सकते हैं हम सरस्वती मंदिर, और स्कूल तो सरस्वती मंदिर है ना, जिसको बनाया था राजविग्रह 6, ठीक है ना, जिसको राजविग्रह चतुर्थ बनवाया था, ठीक है ना, जिसको तोड़ कर क्या किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक उसको अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवा देते, बताया थे ना। फिर तुम लोग को बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अपना गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के यादगार में एक मीनार बनाए थे, जिसको बोले थे कुतुब मीनार, क्या बोले थे, और कुतुब मीनार का जो शुरू करवाया था, स्टार्टिंग मतलब बनाना जो स्टार्ट किया था, वो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन उसको पूरा कौन किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम या कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश पूरा किया था, ठीक है ना। लेकिन उसमें दो मंजिला और कौन ठोक दिया, तो फिरोज शाह तुगलक, आगे पढ़ाया गया ना, फिरोज शाह तुगलक, बताए थे ना, कोई दिक्कत है इतना तक। फिर तुम लोग को बताए थे कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मतलब बताए थे कि मतलब पोलो खेलते समय, क्या बताए थे, पोलो खेलते समय यानी पोलो खेलाया था घोड़ा पर बैठ कर, ठीक है ना, तो घोड़ा पर बैठ के खेलता, तो पोलो को ही बोलते हैं चौगान, क्या बोलते हैं, चौगान। तो पूछेगा कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु कैसे हो गया, तो पोलो खेलते समय या चौगान खेलते समय, पोलो खेलते समय या चौगान खेलते समय घोड़ा से गिरने के कारण से क्या हो गया, मृत्यु, क्या हो गया इसका, मृत्यु क्या हुआ, मृत्यु हुआ, कब हुआ था, 1210 ईस्वी में घोड़ा से गिरने के कारण इसका मृत्यु हो गया। लेकिन बताया था तुम्हें कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति था जिसका नाम क्या था, बख्तियार खिलजी, क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति था जिसका नाम था बख्तियार
खिलजी था। बख्तियार खिलजी क्या करता है, बिहार पर आक्रमण करता है, और बिहार पर आक्रमण करने के बाद ये देखता है कि एक सरस्वती मंदिर है, यानी क्या है, हिंदू का मंदिर है, क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय तो मंदिर हुआ ना, तो नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर में है, दोनों को क्या करता है, जला देता है। कौन? बख्तियार खिलजी। क्या, कौन जलाता है? बख्तियार खिलजी दोनों को जला देता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब यहाँ ध्यान दो। अब इसके बाद आता है कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इसका उत्तराधिकारी बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा, जिसका नाम था आराम शाह। क्या था? आराम शाह था। तो आराम शाह जो शाह जो 11 दिन तक शासन नहीं कर पाता है, मात्र 1210 से 1211 ईस्वी तक करता है। ठीक है ना, आराम करने के चक्कर में लग गया इसको इल्तुतमिश, क्या किया, निपटा दिया। क्या किया? जिसको इल्तुतमिश क्या करता है, इल्तुतमिश जो है आराम शाह को निपटा दिया, उसको काम तमाम कर दिया, इल्तुतमिश बन जाता शासक। कौन? इल्तुतमिश क्या बनता है? शासक। और इल्तुतमिश जैसे शासक बनेगा, ठीक है ना, तो पहले लाहौर से राजधानी कहाँ लाएगा, दिल्ली। कहाँ लाएगा? तो पूछेगा लाहौर से राजधानी दिल्ली किसने परिवर्तित किया, तो बोलना है इल्तुतमिश। क्या बोलना है? इल्तुतमिश बोलना है। अब सबका राजधानी दिल्ली रहेगा, ठीक है ना। लास्ट में जाकर सिकंदर लोदी जब बताएंगे तो उस समय वो दिल्ली भी राजधानी रखेगा और दूसरा राजधानी बना लेगा आगरा, बताएंगे ना। तो दिल्ली थी, दिल्ली राजधानी किसने बनाया, तो कुतुब अथी इल्तुतमिश, इल्तुतमिश बनाया था, ठीक है ना। और इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ने बताया था कि मतलब जो है ये सुल्तान को मानी धारण नहीं किया था, खलीफा से भी मान्यता प्राप्त नहीं किया था, लेकिन इल्तुतमिश जो होगा वो सुल्तान को पारी धारण करेगा, सुल्तान को पारी धारण। और खलीफा, खलीफा क्या होता है, तो खलीफा होता है इस्लाम का धर्मगुरु, इस्लाम का धर्मगुरु होता है। तो उससे क्या करेगा, एक खिल्लत प्राप्त करेगा, यानी मान्यता प्राप्त करेगा, ठीक है ना। इसलिए इल्तुतमिश को हम बोलते हैं क्या, दिल्ली सल्तनत अति गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। क्या बोलते हैं? गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। क्यों? क्योंकि राजधानी दिल्ली बनवाया था, दूसरा सुल्तान को पारी धारण किया था, तीसरा खलीफा से मान्यता प्राप्त किया था, इसलिए इल्तुतमिश को बोलते हैं अति गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। कोई दिक्कत है? फिर पूछेगा गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, तो गुलामों का गुलाम इसी को कहा जाता है, इल्तुतमिश को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन हो गया, इल्तुतमिश। तो गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश होता है। फिर तुम लोग को बताया था कि इल्तुतमिश जो है अपने दरबार में 40 को तुर्क सरदार या 40 को अमीर जो सरदार था उसको एक समूह बनाकर, एक गुट बनाकर एक संगठन का निर्माण किया था, जिसको बोलते हैं चालीसा दल। क्या बोलते हैं? तो बोलेगा चालीसा दल का गठन किसने किया, तो बोलना है इल्तुतमिश। पूछेगा चालीसा दल को और नाम क्या है, तो उसी को बोलते हैं तुर्कान ए चहलगानी। क्या बोलते हैं? तो बोलेगा तुर्कान ए चहलगानी का गठन किसने किया, तो बोलना है इल्तुतमिश। क्या बोलना है? इल्तुतमिश बोलना है। फिर तुमको बताया था कि इल्तुतमिश जो है कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कंप्लीट कर दिया था, बताया थे ना। तो बोलेगा कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक किया था, लेकिन कंप्लीट किसने किया था, पूर्ण किसने किया था, इल्तुतमिश किया था, बताया थे ना। फिर तुमको बताया था कि इल्तुतमिश जो है ये दो को सिक्का चलवाया था, एक वो चांदी का टाका और तांबा का जित्तल, चांदी का टाका और तांबा का जित्तल नामक सिक्का चलवाया था। तो बोलेगा चांदी का टाका और तांबा का जित्तल किसने चलवाया था, तो इल्तुतमिश। कौन चलवाया था? इल्तुतमिश। फिर इल्तुतमिश के बारे में बताया था कि इक्तादारी व्यवस्था का शुरुआत करवाया था। इक्तादारी व्यवस्था समझ रहा है कि वेतन के बदले पैसा नहीं देना, वेतन के बदले जमीन ही दे देना। मान लो तुम्हें शासन कर रहा है तो सालाना तुम्हारा दे देगा कि इतना जमीन जो है क्षेत्र जो तुम्हारा अधिकार में हो गया, यानी तुम्हारे क्षेत्र को और ज़्यादा बढ़ा देगा, ठीक है ना। तो मतलब वेतन के बदले जमीन को देना, इसको बोलते हैं इक्तादारी व्यवस्था। क्या बोलते हैं? इक्तादारी व्यवस्था। तो इक्तादारी व्यवस्था का शुरुआत किसने करवाया था दिल्ली सल्तनत में, तो इल्तुतमिश करवाया था। किसने करवाया था? फिर तुम लोग बताया था कि इल्तुतमिश के कार में ही तराइन का तृतीय युद्ध होता है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, लेकिन इल्तुतमिश के समय ही तराइन का तृतीय युद्ध होता है। तराइन का तृतीय युद्ध कब होता था? 1215 ईस्वी 1215। और क्यों हुआ था, तुम लोगों को पूरा कहानी बताया था जब हम पढ़ा रहे थे डिटेल में, ठीक है ना। अभी हम खाली इंपॉर्टेंट पॉइंट पर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो तुम लोगों को पूरा देखना है तो उसमें जाना है, ठीक है ना। तो 1215 ईस्वी में तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था इल्तुतमिश और ताजुद्दीन यालदोज किसके बीच, इल्तुतमिश और ताजुद्दीन यालदोज, जिसमें ताजुद्दीन यालदोज क्या होता है, पराजित हो जाता है और इल्तुतमिश जीत जाता है। फिर तुम लोगों को बताया था कि इल्तुतमिश के शासनकाल में क्या हुआ, क्या हुआ, तो मंगोल सेनापति जो था चंगेज का, क्या था, चंगेज का था, उसका एक सेनापति था जिसका नाम था क्या, तो मानबरनी। क्या था? तो मानबरनी चंगेज का किसको लगा रहा है, तो मानबरनी को लगा रहा है, और चंगेज का पीछे पीछे मानबरनी भागल जा रहा है, भागल जा रहा है, और भागते भागते मानबरनी कहाँ पहुँच गया, तो बहुत पहुँच गया था इल्तुतमिश के दरबार में, इल्तुतमिश के तो दरबार में। लेकिन इल्तुतमिश जब जाना था कि इसको चंगेज का, क्या, चंगेज का इसका पीछा कर रहा है, तो उस समय दुनिया का सबसे क्रूर शासक था कौन था, तो चंगेज का, कौन था, चंगेज का था। तो क्या करता है इल्तुतमिश जो है मानबरनी को संरक्षण नहीं देता अपना दरबार में, उसको क्या करता है, दिल्ली से, दिल्ली घुसने से पहले क्या करता है, भगा देता है, जिससे क्या करता है इल्तुतमिश जो है चंगेज खां से दिल्ली का रक्षा कर लेता है। क्या करता है? दिल्ली का रक्षा कर लेता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक?
हाँ, फिर तुम लोग को पढ़ाए थे कि इल्तुतमिश जो है अपना जब वो जीवित था तो अपने शासनकाल के समय ही क्या किया था, तो अपना उत्तराधिकार घोषित कर दिया था रजिया सुल्तान का बताए थे। लेकिन जब इल्तुतमिश का मृत्यु हो जाता है तब इसी का जो दल रहता है, चालीसा दल रहता है, जिस संगठन क्या कौन कहते हैं इल्तुतमिश जो किया था, वो चालीसा दल को जो बात बर्दाश्त ना होता कि अब एक महिला शासक बनेगा, ये बात बर्दाश्त ना होता है, वो चालीसा दल यानी तुर्क सरदार मिलकर क्या करता है, तो इल्तुतमिश का बेटा जिसका नाम था क्या, तो रुकनुद्दीन फिरोज, क्या था, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, उसको शासक बना देता है, उसको शासक बना देता है। और रुकनुद्दीन फिरोज शाह का माँ का नाम था तुर्कान, ठीक है ना, तुर्कान शाह, ठीक है ना। लेकिन वो दोनों लोग काफ़ी बदमाश था, रुकनुद्दीन फिरोज तो पक्का पागल था, ठीक है ना। तो क्या कहता है, तो रजिया सुल्तान जो होता है वो शुक्रवार के दिन लाल वस्त्र धारण करके दिल्ली के सड़क पर निकल जाता है, ठीक है ना। दिल्ली के सड़क पर जब निकल जाता है तो इस सब ये नियम बनाया था कौन, इल्तुतमिश, कि किसी को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो शुक्रवार के दिन अगर दिल्ली के सड़क पर निकल जाएगा तो फिर उसको न्याय मतलब हम दबाएंगे कि क्यों तुम्हारे साथ क्या हुआ, ठीक है ना। तो रजिया सुल्तान निकल जाता है तो सब फिर जनता क्या करता है, रजिया सुल्तान का साथ देता है और रुकनुद्दीन फिरोज को यानी रजिया सुल्तान के भाई को उखाड़ फेंक देता है और रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठा देता है, रजिया सुल्तान गद्दी पर बताए थे ना। लेकिन रजिया सुल्तान जब गद्दी पर बैठता है तो आप क्या शासक बन गया है, तो क्या कहता है, टोपी पहनकर और कोट पहनकर दरबार में आने लगता है, तो चालीसा दल को ये बात बर्दाश्त नहीं होता है, ठीक है ना। तो सब लोग क्या इसका विरोध में रहता है, क्या होता है, सब लोग इसके विरोध में रहता है। फिर बताए थे तुम लोग को कि रजिया सुल्तान के समय बताए थे कि यहाँ अल्तुनिया था, कौन था, अल्तुनिया कहाँ की गवर्नर था यानी सूबेदार था, तो था भटिंडा का, कहाँ था, भटिंडा का था। तो ये भी कर दिया विद्रोह, ये भी क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था रजिया सुल्तान के खिलाफ। तो रजिया सुल्तान बताया था कि अल्तुनिया का विद्रोह को दबाने जाता है, कहाँ, भटिंडा जाता है, दबाने जाता है, और यहाँ अल्तुनिया का क्या होता है, अल्तुनिया यहाँ पर जीत जाता है, रजिया सुल्तान हारने लगता है। तो जब रजिया सुल्तान हारने लगता है क्या करता है, तो रजिया सुल्तान बताया था कि अल्तुनिया को क्या कर देता है, प्रपोज कर देता है और दोनों कर लेता है शादी, क्या कर लेता है, शादी कर लेता है। जब शादी करके दोनों लौटने लगता है तो क्या करता है, तो हरियाणा में एक जगह है कैथल, क्या था, तो कैथल में क्या करता है, दोनों पर क्या कर देता है, डाकू आक्रमण, कौन कर देता है, डाकू आक्रमण करता है, जिसमें क्या होता है, अल्तुनिया और रजिया सुल्तान का मृत्यु हो जाता है, रजिया सुल्तान का मृत्यु हो जाता है। तुम लोग को पूछेगा कि बता रजिया सुल्तान को सफल होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है, तो क्या बोलना है, महिला का होना, महिला का, रजिया सुल्तान एक योग्य शासक था तब ने उसको उत्तराधिकार बना दिया इल्तुतमिश, ठीक है ना। लेकिन उसका मतलब वो सफल क्यों हो गया, तो बोलना है एक महिला का होना, महिला का होना, क्योंकि जानवे कहता है कि मुस्लिम धर्म में महिला पर कितना मतलब पाबंदी लगा रहता है, नहीं लगा रहता है, हाँ, इसलिए तो इसको बर्दाश्त थोड़े होगा। तो यहाँ पर हो गया, तो रजिया सुल्तान के बाद इसी का भाई बहराम शाह शासक बनता है, कौन बनता है, बहराम शाह शासक बनता है। तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट ना है, ठीक है ना। तो बहराम शाह के बाद बनेगा कौन, तो बनेगा अलाउद्दीन मसूद शाह, कौन बनेगा, और अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद बनेगा कौन, तो नासिरुद्दीन महमूद। और नासिरुद्दीन महमूद एकमात्र शासक है जिसने टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह किया, यानी शासक है और सिरा टोपी, क्या सिरा, यानी टोपी सीकर बेचता था, क्या कहता था, यानी टोपी सीकर जीवन निर्वाह करने वाला एकमात्र शासक कौन है, तो नासिरुद्दीन महमूद। और नासिरुद्दीन महमूद का ससुर होता है कौन, बलबन, कौन होता है, बलबन होता है। तो नासिरुद्दीन महमूद टोपी सीने में बिजी है, इधर बलबन पूरा उसका कार्य संभाल रहा है, किसके पद पर रहकर, तो वजीर के पद यानी प्रधानमंत्री के पद पर रहकर 20 साल राजा वाला काम करता है, कौन, सुल्तान वाला काम कौन करता है, बलबन, कौन करता है। फिर 1266 ईस्वी में बलबन शासक बनता है, बलबन शासक बनता है, तो ये काफ़ी क्रूर शासक था, ठीक है ना। ये नियम लागू करता है रक्त एवं लोक की नीति, तो पूछेगा रक्त एवं लोक की नीति लागू करने वाला दिल्ली सल्तनत का कौन राजा है, तो बोलना है बलबन, कौन बोलना है। लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री पूछेगा कि रक्त एवं लोक की नीति कौन अपनाया था, तो बोलना है क्या, बिस्मार्क, क्या बोलना है, बिस्मार्क बोलना है, ठीक है ना। तो रक्त एवं लोक की नीति कौन अपनाता है, बलबन अपनाता है, कौन अपनाता है, बलबन अपनाता है। और बलबन देता है राजत्व का सिद्धांत, क्या देता है, तो बोलेगा राजत्व का सिद्धांत किसने दिया, तो बोलना है बलबन। बलबन का राजत्व के सिद्धांत बोलता है कि बलबन बोलता है कि राजा का निरंकुश होना जरूरी है, क्या है, यानी राजा को बदमाश होना जरूरी है, कौन बोल रहा है, बलबन। और बलबन ने बोलता है कि राजा जो होता है ना, जो सुल्तान होता है वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, क्या होता है, ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, इसलिए ये उपाधि धारण करता है जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही मतलब होता है ईश्वर का प्रतिनिधि, ईश्वर का प्रतिनिधि। और बलबन जो है सबसे पहले जो इल्तुतमिश जो है चालीसा दल का जो गठन किया था, तुर्कान चेहरगानी का जो गठन किया था, पहले उसको समाप्त करता है, क्योंकि जानता था कि किस प्रकार राजा सुल्तान को मतलब ईलो शासन का निर्णय दिया था, तो हमारे भी क्या करेगा, हमारा भी काम में ईलो अड़चन डालेगा, तो पहले क्या करते हैं, नया रहेगा बास, नया बजेगा बास, यानी क्या करता है, चालीसा दल को समाप्त करता है। तो बोले चालीसा दल का गठन किसने किया, तुर्कान चेहरगानी का गठन किसने किया, तो बोलना इल्तुतमिश, और समाप्त कौन किया, तो बोलना है बलबन, कौन बोलना है, बलबन ने समाप्त कर दिया था, बताया था ना। फिर तुम लोग को बताए थे
बलबन जो है सेना विभाग का गठन करता है, सेना विभाग का गठन करता है, जिसको बोलते हैं दीवान ए अर्ज। क्या बोलते हैं? दीवान ए अर्ज। तो बोलेगा दीवान ए अर्ज नामक संगठन किसने स्थापित किया? तो बोलना है बलबन। क्यों बोलना है? और बलबन जो है लाल महल का निर्माण करता है, लाल महल का। तो बोलेगा दिल्ली में लाल महल का निर्माण किसने करवाया? तो बोलना है बलबन। क्या बोलना है? बलबन। लाल महल काफ़ी काम देगा। फिर अलाउद्दीन खिलजी जो अपना राज्याभिषेक करवाएगा तो बलबन के ही लाल महल में अपना राज्याभिषेक करवाएगा, ठीक है ना। फिर तुम लोग को बताया थे कि बलबन जो था, बलबन कहता था कि जब हम किसी गरीब व्यक्ति को, गरीब आदमी को देखते हैं तो मेरा हाथ अपने आप कहाँ चला जाता है? तलवार पर चला जाता है। कौन बोलता था? बलबन। कौन बोलता था? और बलबन जो है, ठीक है ना, यहाँ ध्यान दे बंदा, तुम सब शांत रहा। बलबन, बलबन जो है वो अपना दरबार में बताया था कि वो मतलब ईरानी पर्व से काफ़ी प्रभावित था। वो अपना अपने आप को ईरान से मानता था। कहाँ से मानता था? ईरान से मानता था कि हम ईरान से संबंधित है। ईरान में एक वंश था अफरासियाब वंश, उसी से अपने आप को संबंधित मानता था। तो बोलेगा बता कि बलबन जो है नवरोज उत्सव का शुरुआत किसने करवाया था? तो बोलना है बलबन। क्या बोलना है? नवरोज उत्सव कहाँ के पर्व है? तो ईरान का पर्व है। कहाँ का पर्व है? ईरान का पर्व है नवरोज उत्सव। फिर अपना दरबार में सिजदा एवं पेबोस, क्या बोल रहे हैं? सिजदा एवं पेबोस का प्रथा का शुरुआत किसने करवाया था? बलबन। सिजदा मतलब होता है कि मतलब लेट कर राजा का अभिवादन करना। सिजदा मतलब क्या होता है? लेट कर, पेट के बल लेट कर राजा का अभिवादन करना। और पेबोस मतलब होता है कि सुल्तान के पैर को चूमना, सुल्तान के पैर को चुमना। इसका शुरुआत किसने करवाया था? तो बलबन ने करवाया था, बलबन ने करवाया था। कोई दिक्कत है यहाँ तक? फिर बताया था कि इसीलिए जो मतलब ईरान में जो है नियम है कि मतलब किसी को मतलब नाम का आगे कई लगाना है। क्या लगाना है? इसलिए अपना पोता का नाम अपने बेटा के नाम के आगे लगाता है कई। क्या लगाता है? अपना बेटा के नाम कई खुसरो के आगे कई लगाता है न, कई खुसरो भी इसका पोते होता है, तो कई लगाता है कई खुसरो। कई कु बात सुनेगा और कई कु उम्र सुनेगा, तो कई लगा रहा है ना। फिर तुम लोग को बताया था कि बलबन के बाद, बलबन के बाद इसका मतलब बलबन के बाद जो शासक बनता है वो बनता है कई खुसरो। कौन बनता है? और कई खुसरो के बाद जो शासक बनता है वो बनता है कैकुबार। कौन बनता है? और कैकुबार को जो है मतलब लकवाग्रस्त हो जाता है, तो फिर उस शासक से हटक जाता है। फिर कैकुबार के नवजात पुत्र क्यूमर्स बनता है। कौन बनता है? क्यूमर्स बनता है, ठीक है ना। और क्यूमर्स मतलब नवजात पुत्र था, तो जिसको क्या कहता है? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी क्यूमर्स को मार देता है। क्यूमर्स को मार के वहीं दिल्ली में यमुना नदी के यमुना नदी में फेंक देता है और एक नया वंश का स्थापना करता है, खिलजी वंश। किसके स्थापना करता है? तो बोलेगा कि बता खिलजी वंश का स्थापना किसने किया? तो क्या बोलना है? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का स्थापना किया, खिलजी वंश का। और बताया था कि जलालुद्दीन खिलजी जो है उदार शासक था, क्योंकि बुढ़ारी में बना था, 70 वर्ष की उम्र में क्या बना? शासक बना था। तो ये क्या था? एक उदार शासक था। क्या था? उदार शासक था, ठीक है ना। लेकिन बोलेगा कि बता कि एक सूफी संत जिसका नाम था सिद्धि मौला, क्या था, ठीक है ना, उसको हाथी के नीचे कौन कुचलवा दिया था? तो जलालुद्दीन खिलजी ही कुचलवा दिया था। जलालुद्दीन खिलजी ही कुचलवा दिया था। और जलालुद्दीन खिलजी अपना भतीजा, अपना भतीजा जिसका नाम था क्या, तो अली गुरसाब, अली गुरसाब, अली गुरसाब को ही अपना जब राज्याभिषेक करवाएगा तो कहलाएगा अलाउद्दीन खिलजी के नाम से, अलाउद्दीन खिलजी के। तो अली गुरसाब को यानी अलाउद्दीन खिलजी को भेजता है दक्षिण अभियान के लिए, दक्षिण अभियान के लिए। और जब दक्षिण अभियान में भेजता है तो वो करता है देवगिरी पर आक्रमण। कहाँ करता है? और देवगिरी पर आक्रमण करता है, लेकिन वो मतलब पूरा उल्लेख नहीं मिलता कि देवगिरी का अच्छा तरह से पूरा तरह से जीत नहीं पाया, पूरा तरह जीत नहीं पाया। तो फिर बाद में करेगा अलाउद्दीन खिलजी, फिर करेगा, ठीक है ना, आक्रमण करेगा देवगिरी पर, फिर वो करेगा अभियान। लेकिन जब देवगिरी पर आक्रमण करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी वापस लौटा था दिल्ली, तो सबसे पहले अपना चाचा यानी जलालुद्दीन खिलजी का काम तमाम करता है, अपना चाचा को मार देता है और उसके अपना चाचा के पूरा परिवार को क्या करता है, काम तमाम करता है। और अलाउद्दीन खिलजी अपना राज्याभिषेक करवाता है। कहाँ करवाता है? तो बलबन के लाल दरबार में, बलबन के लाल दरबार में अपना राज्याभिषेक करवाता है, अपना राज्याभिषेक करवाता है। कोई दिक्कत है? जब बलबन अपना राज्याभिषेक करवाता है तो बलबन का अब शासन स्टार्ट होता है, बलबन का शासन अब स्टार्ट। तो बलबन बहुत सारा मतलब परिवर्तन करेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं बलबन क्या क्या करता है, ठीक है ना। तो जैसे बलबन शासक बनेगा, जैसे बलबन शासक जैसे अलाउद्दीन खिलजी, जैसे अलाउद्दीन खिलजी शासक बनेगा तो बहुत सारा परिवर्तन करेगा, बहुत सारा परिवर्तन करेगा। सबसे पहले क्या करेगा? तो जो इक्तादारी व्यवस्था था ना, मतलब वेतन के बदले जमीन को देना, इक्तादारी व्यवस्था को समाप्त करेगा, इक्तादारी व्यवस्था को समाप्त करेगा। और उसके जगह पर नगद वेतन देना प्रारंभ करेगा, नगद वेतन देना प्रारंभ करेगा, ठीक है ना, नगद वेतन देना प्रारंभ करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ ध्यान दे, उसके बाद बता रहे हैं क्या बलबन अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, मतलब घोड़ा दागना। पूछेगा घोड़ा दागने की प्रथा का शुरुआत किसने कराया? तो बोलना अलाउद्दीन खिलजी। और हुलिया बदलना, हुलिया, हुलिया मतलब समझ रहा है, जैसे आधार कार्ड क्या होता है, मेरा हुलिया है ना, फ्रास नाम उठा रखो पूरा तुम्हारा हुलिया बता देगा ना, बता देता है। तो घोला दागना और हुलिया बदलने के प्रथा का शुरुआत किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन
खिलजी करवाया था, ठीक है ना। ए बंदर सबसे बट फिर तुम लोग बोलेगा कि बता कि अलाउद्दीन खिलजी और क्या कहता था। तो अलाउद्दीन खिलजी जब बाजार नियंत्रण प्रणाली यानी बाजार पर पूरा नियंत्रण करने का प्रथा का शुरुआत किया था, बाजार नियंत्रण प्रणाली, माप तौल प्रणाली, माप तौल प्रणाली, ठीक है ना। उसके बाद फिर जो है उसके बाद जो है बाजार नियंत्रण हो गया, माप तौल प्रणाली हो गया, फिर कीमत नियंत्रण हो गया। ये सब कौन लागू किया था? ये सब क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। कौन क्या था? अलाउद्दीन खिलजी लागू किया था। अलाउद्दीन खिलजी अपना अधिकारी को ऑर्डर देता था कि बाजार में जाओ, ठीक है ना, और किसी का ये बटखारा लेकर देख लो, उसका बटखारा में अगर कुछ कमी आ रहा था, जितना कमी आ रहा था उतना उसका मांस काट लेना, क्या करना। तो यानी पूरा सख्त नियम लागू किया था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। कौन क्या था? अलाउद्दीन खिलजी पूरा सख्त नियम लागू किया था। और जितना भी सरकारी जितना भी भूमि था ना, जो मतलब मान लो कि इक्तदारी व्यवस्था जब शुरुआत हुआ था, तो इक्तदारी व्यवस्था जब शुरुआत हुआ था तो जितना भूमि सबको दिया था, सब भूमि को अपना ले लिया था, ठीक है ना, और सबको सरकारी भूमि घोषित कर दिया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी सबको सरकारी भूमि घोषित कर दिया था। और अलाउद्दीन खिलजी क्या क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी जो है, याद रहे, अलाउद्दीन खिलजी जो है युद्ध में बताए थे कि सब लोग जितना ध्यान रहे, सब लोग टैक्स लेता था 1/3। कितना लेता था? 1/3 लेता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जो है टैक्स लेना शुरुआत किया था 1/2 लेना, टैक्स लेना शुरुआत किया था। फिर तुम लोग को बताया था कि युद्ध में जो धन लूटा जाता है तो उस पर जो टैक्स लिया जाता है उसको बोलते हैं खुम्स। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं खुम्स। क्या बोलते हैं? तो खुम्स में क्या नियम था पता है? कि जो सेना उनका जो है ना, वो लेगा 4/5 भाग। कितना लेगा? 5/5 भाग सेना ले लेगा लूट के। कौन ले लेगा? सेना ले लेगा। 1/5 भाग किसको मिलेगा? राजा किसको मिलेगा? लेकिन अलाउद्दीन खिलजी बोला था कि हम बेतनवा बेकारे दे रहे हैं। 4/5 भाग अब राजा का होगा, 1/5 भाग किसका होगा? किसका होगा? तो किसका होगा? तो प्रजा ना है, सैनिक का। किसका होगा? प्रजा लड़ने जाता है, सैनिक का होगा। किसका होगा? सैनिक का होगा। समझ आ गया तुम लोग को? फिर तुम लोग को बता कि अलाउद्दीन खिलजी है जिसने 2 टैक्स लगाया था, चराई कर एक लगाया था, घराई कर। क्या लगाया था? तो चराई कर, घराई कर लगाने वाला कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। क्या था? अलाउद्दीन खिलजी था। और अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? देवगिरी पर आक्रमण करता है और रामचंद्र देव को पराजित करता है, रामचंद्र देव को। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी इससे पहले गुजरात अभियान करता है। क्या करता है? गुजरात अभियान करता है। और जब गुजरात अभियान करता है तो उसी समय इसको एक हजरा मिलता है जिसका नाम है मलिक काफूर। क्या है? मलिक काफूर है। तो मलिक काफूर को देखता है तो मलिक काफूर की योग्यता से काफ़ी प्रभावित होता है और मलिक काफूर को 1,000 दिनार में मलिक काफूर क्या को खरीद लेता है। क्या करता है? इसलिए बोलेगा 1,000 दिनारी किसे कहा जाता है? तो बोलना है मलिक काफूर को। मलिक और मलिक काफूर आगे चल के अलाउद्दीन खिलजी का सबसे योग्य सेनापति बनेगा। क्या बनेगा? योग्य सेनापति बनेगा। फिर मलिक काफूर के नेतृत्व में ही दक्षिण भारत में अभियान करने के लिए भेजता है किसको? अलाउद्दीन खिलजी भेजता है मलिक काफूर को। मलिक काफूर को भेजता है और मलिक काफूर जो है तेलंगाना के वारंगल, क्या बोल रहे हैं, तेलंगाना के वालंगर पर आक्रमण करता है। तेलंगाना के वालंगर पर आक्रमण करता है और वालंगर का जो उसमें राजा होता है, ठीक है ना, वो होता है प्रताप रुद्रदेव। क्या होता है? प्रताप। तो प्रताप रुद्रदेव पराजित होता है और प्रताप रुद्रदेव जो है लास्ट में कोहनूर हीरा किसको सौंप देता है? तो कोहनूर हीरा सौंप देता है मलिक काफूर को। मलिक काफूर जो है फिर बाद में जाकर किसको सौंप देगा? अलाउद्दीन खिलजी को। किसको सौंप देगा? अलाउद्दीन खिलजी को। कोई दिक्कत है यहाँ तक? फिर तुमको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी ही था जिसने द्वितीय सिकंदर कहा जाता था। बोलेगा द्वितीय सिकंदर किसे कहा जाता है? बोला अलाउद्दीन खिलजी को बताया थे ना। फिर तुमको बताया था कि सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण किया? तो अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण किया था। सिकंदर ए सानी का उपाधि धारण किया था। फिर तुमको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी जो है मतलब कहाँ आक्रमण किया था? चित्तौड़ पर क्यों आक्रमण किया था? तो उल्लेख मिलता है कि रानी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए। तो चित्तौड़ पर जब 1303 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है तो उसमें चित्तौड़ का राजा होता है राजा रतन सिंह। कौन होता है? राजा रतन सिंह। मतलब राजा रतन सिंह को धोखेबाजी से, अरे बंदर शांत है तुम लोग, धोखेबाजी से राजा रतन सिंह को पराजित करता है और अलाउद्दीन खिलजी जीत जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी फिर पद्मावती को प्राप्त करने के लिए जैसे दरबार में अंदर जाता है तो पद्मावती क्या कर लेता है? जौहर कर लेता है। और तुमको बताया था पद्मावती की सुंदरता का वर्णन एक लेखक ने किया था। उस लेखक का नाम क्या था? मलिक मोहम्मद जायसी। क्या नाम था? तो बोलेगा बता पद्मावत नामक पुस्तक किसने लिखा? तो क्या बोलना है? मलिक मोहम्मद जायसी बताए थे ना, बताए थे। तो यहाँ तक हो गया तुम लोग को। तब बलबन के अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देख लिया। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कौन आता है? तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आता है सबसे पागल शासक है जिसका था नाम था मुबारक शाह खिलजी। क्या नाम था? मुबारक शाह खिलजी का एक मतलब पागले है, ठीक है ना। वो कहाँ ध्यान दे, मुबारक शाह खिलजी जो है दरबार में कभी मतलब महिला का ड्रेस पहन के आ गया, ठीक है ना, यानी कभी साड़ी पहन के आ गया, तो कभी नग्न अवस्था में महिला दरबार में आ गया। कौन?
मुबारक शाह खिलजी, मुबारक शाह खिलजी। फिर तुम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताना है, भूल गए कि अलाउद्दीन खिलजी जो है ये खलीफा को मान्यता नहीं दिया, यानी खलीफा वलीफा को मान्यता ही ना दिया, ठीक है ना। तो खलीफा को मान्यता ना दिया था, लेकिन जो मुबारक शाह खिलजी आया वो बोला था खलीफा वलीफा को हम नहीं जानते, हम भी खुद ही खलीफा हैं, यानी अपने आप को खुद खलीफा घोषित कर लिया। कौन? मुबारक शाह खिलजी। और मुबारक शाह खिलजी जो है दरबार में जो कभी साड़ी पहन के जाता था, कभी नग्न अवस्था में जाता था, यानी मुबारक शाह खिलजी जो था उसको मतलब नग्न पुरुष और नग्न स्त्री का समूह उसको पसंद था, ठीक है ना। तो बोलेगा कौन सा शासक था दिल्ली सल्तनत का या खिलजी वंश का जो दरबार में नग्न अवस्था में या साड़ी पहन के महिला के वस्त्र पहन के आ जाता था, क्या बोला? मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह पूछेगा बता दिल्ली सल्तनत का या खिलजी वंश का कौन सा शासक था जो अपने आप को ही खलीफा घोषित कर दिया, तो क्या बोलना है? मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी, कोई दिक्कत है? मुबारक शाह खिलजी के बाद यानी मुबारक शाह खिलजी के बाद बनता है कौन? इसके बाद बनता है खुसराव शाह। कौन बनता है? और खुसराव शाह जो है, खुसराव शाह जो है वो दिल्ली सल्तनत का एकमात्र भारतीय मुसलमान है। अभी इतना सब था ना, सब कहाँ? अफगानिस्तान तरफ से आया था तो उसी का वंशज चल रहा था, लेकिन एकमात्र भारतीय मुसलमान था। कौन था? खुसराव शाह। कौन था? खुसराव शाह था, ठीक है ना। उसके बाद खुसराव शाह क्या करेगा, उस समय के सबसे फेमस सूफी संत होगा जिसका नाम होगा निजामुद्दीन औलिया। क्या होगा? निजामुद्दीन औलिया को 500,000 रुपया भेंट देगा कौन? तो 5 लाख रुपया भेंट देगा खुसरो शाह देगा निजामुद्दीन औलिया को, ठीक है ना। उससे पहले तुम लोग बता देना चाहते हैं कि एक था अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो है, ठीक है ना। अमीर खुसरो जो है ना ये लगभग दिल्ली सल्तनत का लगभग 8 राजा के दरबार में अपना सेवा दे चुका था, लेकिन ये मेन रूप से सेवा किसमें दिया था? तो मेन रूप से अमीर खुसरो सेवा दिया था वो दिया था अलाउद्दीन खिलजी का। किसके दिया था? तो बोलेगा अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कभी कौन था? तो क्या बोलना है? अमीर खुसरो। क्या बोलना है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के बारे में बता देते हैं कि अमीर खुसरो जो है यूपी के एटा निवासी था। यूपी के कहाँ था? तो यूपी के एटा के था, यूपी के एटा के था। और अमीर खुसरो को ही बोला जाता है क्वाली गायन शैली का जनक। क्वाली गायन शैली का, तो बोलेगा क्वाली गायन शैली का जनक किसने कहा? किसे कहा जाता था? अमीर खुसरो को, ठीक है ना। और अमीर खुसरो ही देख यहाँ पर अमीर खुसरो को ही बोला जाता है क्या? तो तोता ए हिंद। क्या बोला जाता है? तो बोलेगा तोता ए हिंद किसे कहा जाता है? तो बोलना अमीर खुसरो का। फिर अमीर खुसरो की बोला जाता है क्या? सितार वादक का आविष्कार किसने किया? सितार का आविष्कार किसने किया? तो बोलना है अमीर खुसरो। क्या बोलना है? इस सितार का आविष्कार कैसे किया पता है? तो बीना और एक ईरानी तंदूरी था, ठीक है ना, दोनों को मिलाकर एक बना दिया सितार। क्या बना दिया? तो सितार का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो। किसने किया था? अमीर खुसरो किया था। फिर खुसरो शाह को समाप्त करके, खुसरो शाह को हटाकर, ठीक है ना, खुसरो शाह को हटाकर शासक बनेगा कौन? तो शासक बनेगा गयासुद्दीन तुगलक। कौन बनेगा? गयासुद्दीन तुगलक। और जैसे गयासुद्दीन तुगलक शासक बनेगा तो तुगलक वंश का स्थापना हो जाता है, तुगलक वंश का स्थापना हो जाता है। तो पूछा होता है तुगलक वंश का स्थापना किसने किया था? क्या बोलना है? गयासुद्दीन तुगलक। यह भी काफ़ी उदारवादी शासक था क्योंकि बुरानी बना है, तो काफ़ी उदारवादी शासक था कौन? तो गयासुद्दीन तुगलक। यहाँ ध्यान दे, गयासुद्दीन तुगलक भी काफ़ी उदारवादी शासक था, ठीक है ना। और गयासुद्दीन तुगलक के बारे में तुगलक के बाद याद रखना कि दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम नहर का, मतलब नहर का व्यवस्था, यानी नहर का शुरुआत, यानी नहर का सिंचाई के लिए नहर का व्यवस्था किसने आरम्भ किया था? क्या बोलना है? गयासुद्दीन तुगलक। क्या बोलना है? तो पूछेगा बता दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम सिंचाई के लिए नहर का सुविधा का उपलब्ध किसने कराया? तो बोलना है गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन पूछेगा नहरों का जाल कौन बिछा दिया था? नहर बहुत सारा खुदवा दिया था। क्या बोलना है? फिरोज शाह तुगलक। क्या बोलना है? फिरोज शाह तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक के बाद शासक बनता है कौन? तो गयासुद्दीन तुगलक का बेटा जो रहेगा MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक जाता है बंगाल अभियान, ठीक है ना। और उसी समय होता है कौन? एक सूफी संत होता है निजामुद्दीन औलिया, बता चुके हैं। तो निजामुद्दीन औलिया को कौन दिया था? 5 लाख रुपया कौन दिया था? तो बताया था खुसरो शाह दिया था ना। तो गयासुद्दीन तुगलक घोषणा करता है, जब बंगाल अभियान चल जाता है गयासुद्दीन तुगलक, तो बंगाले से घोषणा करता है कि बोल देना निजामुद्दीन औलिया को कि मेरे आते ही, ठीक है ना, पहले 5 लाख रुपया दे दे और दिल्ली छोड़कर चला जाए। तो निजामुद्दीन औलिया बोलता है क्या, तो मतलब जिससे उस समाचार भेजवाया था, तो बोला था क्या उसको कि जाओ तुम बोल देना को थी किसको? तो गयासुद्दीन तुगलक को बोल देना कि दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी, यानी तुम अभी बंगाल में हो, दिल्ली पहुँचोगे तब ना, यानी दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी। तो पूछो बता दिल्ली अभी दूर है किसने कहा? निजामुद्दीन औलिया। किसे कहा? तो गयासुद्दीन तुगलक को कहा। और माना जाता है कि निजामुद्दीन औलिया के ही शराब से क्या हुआ, तो गयासुद्दीन तुगलक का मृत्यु हो गया। कैसे हुआ? तो याद रखना कि गयासुद्दीन तुगलक जब लौट रहा था बंगाल से दिल्ली की ओर, तब इसी का बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन
तुगलक जिसका बचपन का नाम है जूना खा, क्या जूना खा, देखा जूना खा कैसे कहा था, तो मोहम्मद बिन तुगलक को ही कहा था जूना खा। तो मोहम्मद बिन तुगलक सोचा था कि मेरा बापू बहुत दूर से आ रहा, थक गया होगा, तो दिल्ली के नीचे एक जगह था, दिल्ली के समीप एक जगह था जिसका नाम था अफगानपुर, क्या था अफगानपुर, या उसी को बोलते तुगलकाबाद, क्या बोलते हैं, तो अफगानपुर में क्या करता है, तो विश्राम के लिए मतलब गयासुद्दीन तुगलक के विश्राम के लिए एक लकड़ी का महल बनवाता है, लकड़ी का महल बनवाता है, और लकड़ी के महल में विश्राम करते ही समय क्या होता है, लकड़ी के महल भरभरा कर गिर जाता है और गयासुद्दीन तुगलक का मृत्यु हो जाता है। तो बोला जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक जो बोल कि दिल्ली अभी दूर है, यानी आप दिल्ली नहीं पहुँच पाइएगा, तो उसी के शराब से क्या हुआ, मर गया, ठीक है ना। लेकिन कुछ इतिहासकार मानता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के मतलब उसको मारने का प्लान बनाया था, लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार मानता है कि मतलब ये एकमात्र घटना था, क्या था, एक घटना था। फिर तुम लोग को याद रखना कि निजामुद्दीन औलिया जो है ये अलाउद्दीन खिलजी को ही बोला था कि अलाउद्दीन खिलजी मतलब निजामुद्दीन औलिया से मिलना चाहता था, तो निजामुद्दीन औलिया बोला था कि हम किसी सम्राट से नहीं मिलेंगे, किसी सुल्तान से नहीं मिलेंगे। तो निजामुद्दीन औलिया जो है अलाउद्दीन खिलजी को बोला था कि मेरे घर में 10 दरवाजा है, मेरे घर में 10 दरवाजा है, सुल्तान अगर एक दरवाजा से आएगा तो हम दूसरा दरवाजा से निकल जाएंगे, ठीक है ना। कौन बोला था, निजामुद्दीन औलिया, किसको बोला था, तो अलाउद्दीन खिलजी को। और शासक बनेगा कौन, तो मोहम्मद बिन तुगलक, कौन बनेगा, मोहम्मद बिन तुगलक, पूरा मतलब पनौती आदमी है, ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक कौन है, तो मोहम्मद बिन तुगलक। ये करना चाहेगा कुछ हो जाएगा कुछ, ठीक है ना, करना चाहेगा अच्छा काम हो जाएगा खराब काम, ठीक है ना। तो मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम क्या था, जूना खा, क्या है, जूना खा, ठीक है ना। जब मोहम्मद बिन तुगलक शासक बनता है, सबसे पहले कि क्या करता है, सबसे पहले राजधानी परिवर्तित करता है, राजधानी क्या करता है, परिवर्तित करता है। थोड़ा बता, तो बोलेगा बता कि दिल्ली से अपना राजधानी देवगिरी किसने बनवाया, तो बोलना है मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन, दिल्ली से राजधानी देवगिरी किसने बनवाया, तो मोहम्मद बिन तुगलक। तो देखिए राजधानी परिवर्तित करता है, तो राजधानी परिवर्तित करने पर इसको कोई फायदा उदा नहीं होता और जनता जो है मतलब धूप में जाने के क्रम में क्या होता है और मृत्यु हो जाता है। तो फिर बाद में क्या करता है, फिर राजधानी को क्या बनाता है, दिल्ली, किसको बनाता है, तो पहला काम इसका असफल हो गया। दूसरा ये काम क्या करता है कि राजधानी परिवर्तित करने के बाद, इसका जो है राज क्षेत्र में क्या होता है, आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब होता है, पूरा काफ़ी ख़राब होता है। तो आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए यानी चांदी के सिक्का की कमी हो जाता है, बताए थे ना कि तिलतितमीज जो था वो चांदी के सिक्का चलवाया था, जिसको बोलते थे क्या, टका, नहीं बोलते थे, तो चांदी के सिक्का का जो है काफ़ी कमी हो गया। तो मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है, सांकेतिक मुद्रा के रूप में जारी करता है तांबा और पीतल का सिक्का जारी कर देता है। लेकिन ये भी क्या था, ये भी योजना विफल हो जाता है। फिर सोचता है कि मोहम्मद बिन तुगलक सोचता है कि चलो ऐसा करते हैं कि गंगा नदी, गंगा और यमुना के बीच जो क्षेत्र है ना काफ़ी उपजाऊ है, ठीक है, जिसको बोलते हैं दोआब क्षेत्र, क्या बोलते हैं, तो दोआब क्षेत्र में कर के वृद्धि कर देते हैं। लेकिन जैसे कर वृद्धि करता है तो उसी समय अकाल हो जाता है, क्या होता है, अकाल हो जाता है। तो इसका जो टैक्स का जो वृद्धि किया था वो भी योजना क्या हुआ, विफल हो गया। क्या हो गया, जब अकाल पड़ता है तो किसान को राहत देने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक जो है एक अकाल संहिता गठन करता है, और किसान के लिए एक विभाग का स्थापना कर देता है, जिसको बोलते हैं दीवान ए अमर कोही, क्या बोलते हैं, दीवार ए अमीर कोही। तो बोलेगा दीवान ए अमीर कोही कैसा विभाग था, तो बोलना किसी कृषि विभाग था। किसने गठन किया, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने गठन किया, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने गठन किया था, कोई दिक्कत है यहाँ तक, हाँ। फिर बताया था तुम लोग, क्या मोहम्मद बिन तुगलक जो है क्या करता है, अपना एक मित्र होता है मिस्र का, ठीक है ना, और मंगोल को सहायता करने के लिए अपना 1,00,000 सेना को पहले ही वेतन दे देता है कि तुम लोग को हम दे दिए, तुम लोग रेडी रहो पहले से, जब तुमको बोलेंगे कि खुरासान अभियान करना है तो तुम लोग को खुरासान पर आक्रमण कर देना। लेकिन लास्ट में क्या होता है, मोहम्मद बिन तुगलक खुरासान का जो राजा होता है उससे दोस्ती हो जाता है, ठीक है ना, और जो 1,00,000 रुपया दिया था सेना को, मतलब 1,00,000 सेना का जो वेतन दिया था वो भी क्या समाप्त हो गया, क्या हो गया, तो अपना सेना को भेजता कराची अभियान के लिए, जो कहाँ पर है, हिमालय में कहाँ पर है, तो वहाँ पर ठंडा कारण इसका क्या होता है, अधिकांश सेना मारा जाता है, ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत है। फिर तुमने को बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक था, ये लगभग 23 भाषा का जानकार था, कितना भाषा का, 23 भाषा का जानकार था। लेकिन इसका योजना सब फैल हो जाता था क्योंकि ये अपना मतलब सलाह मसला अपने आप को सबसे ज़्यादा विद्वान समझता था, किसी से सलाह मसला नहीं लेता था, इसलिए इसका योजना क्या था, विफल हो जाता था। फिर क्या बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक को ही बोलते हैं रक्त पिपासु बादशाह, क्या बोलते हैं, रक्त पिपासु, क्यों रक्त पिपासु बोले थे, क्योंकि जितना भी योजना ला रहा सब विफल हो रहा है, इसको बोले थे रक्त पिपासु बादशाह बोले थे। फिर तुमको बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के समय दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा साम्राज्य होता है, ठीक है ना, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के समय ही
दिल्ली सल्तनत का जो होता है टूटना शुरू हो जाता है। जैसे बताए थे 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य दिल्ली सल्तनत से टूट कर अलग हो गया, जिसका स्थापना कहता है हरिहर एवं बुक्का। फिर 1347 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत से ही बहमनी साम्राज्य टूट कर अलग हो गया, जिसका स्थापना कहता है हसन गंगू, हसन गंगू ने किया था। कोई दिक्कत है? फिर मोहम्मद बिन तुगलक के बाद शासक बनेगा इसका सच्चा चेहरा भाई फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में ध्यान रखना कि फिरोज शाह तुगलक जो है कट्टर मुस्लिम था, ठीक है ना। इसलिए ये क्या कहता, जजिया कर तो वसूला जा ही रहा था, लेकिन ब्राह्मण पर जजिया कर लगाने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। कौन था? FST यानी फिरोज शाह तुगलक, जो ब्राह्मण पर भी जजिया कर लगा दिया, फिर तुम लोग फिरोज शाह तुगलक के बारे में याद रखना कि फिरोज शाह तुगलक क्या क्या था, तुम लोग बंदे से क्या कर रहा है। फिर तुम लोग क्या रखना, फिरोज शाह तुगलक जो है सिंचाई के लिए क्या कहता, नहरों का जाल बिछवा दिया। पूछेगा नहरों का जाल किसने बिछा दिया, तो बोलना फिरोज शाह तुगलक। लेकिन बोलेगा सर्वप्रथम नहर को व्यवस्था किसने किया था, बोलना गयासुद्दीन तुगलक। तो नहरों का जाल किसने बिछाया, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है ना। लगभग 300 शहरों का स्थापना किसने किया, तो फिरोज शाह तुगलक। जैसे नाम याद रखना, बोलेगा हिसार का स्थापना किसने किया, तो बोलना फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है 300 शहर का स्थापना किया था, जिसमें कुछ नाम है हिसार। क्या नाम है? हिसार का स्थापना किसने किया, तो फिरोज शाह तुगलक, ठीक है ना। फिर पूछेंगे बता फतेहाबाद का स्थापना किसने किया, तो फिरोज शाह तुगलक। बोलेंगे फिरोजपुर का स्थापना किसने किया, तो फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के जो कोटला मैदान में, फिरोज शाह कोटला मैदान, उसका स्थापना किसने किया, तो फिरोज शाह तुगलक। लेकिन फिरोज शाह कोटला जो मैदान है उसका नाम अभी क्या हो गया, तो अलून जटरी मैदान। फिर पूछेंगे बता कि जौनपुर का स्थापना किसने किया, तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था, ठीक है ना। फिर तुम लोग को बताना एक बता कि फिरोज शाह तुगलक जो है वो 1200 बगीचा बनवाया। कितना बगीचा बनाया? 1200 बगीचा बनाया। तो बोलेगा 1200 बगीचा बनाने वाला कौन था, तो बोला फिरोज शाह तुगलक। फिर फिरोज शाह तुगलक के बारे में याद रखना है कि फिरोज शाह तुगलक जो है 1200 बगीचा तो बनवा दिया, और फिरोज शाह तुगलक जो है इसके शासनकाल में, यानी इसके दरबार में सबसे ज़्यादा दास होता था, इसलिए दास के लिए एक विभाग बना दिया, जिसका नाम क्या था बता, दीवान ए बंदगान। क्या था? तो बोलेगा दीवान ए बंदगान का स्थापना किसने किया, तो बोलना है फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए बंदगान जो है कि कैसा विभाग, तो दास विभाग है। कैसा विभाग है? दास विभाग है। फिर तुमको बताना है कि जो है ना फिरोज शाह तुगलक जो है एक दान विभाग का स्थापना कराया, दान विभाग, जिसको बोला जाता है क्या, दीवान ए खैरात। क्या बोला जाता है? तो बोलेगा दीवान ए खैरात का स्थापना किसने किया, तो फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए खैरात क्या है? तो दान विभाग है। फिर बताए थे कि फिरोज शाह तुगलक जो है एक पेंशन विभाग का स्थापना किया था, तो पेंशन विभाग को कहा जाता है दीवान ए इस्तहाक। क्या कहा जाता है? दीवान ए इस्तहाक। तो बोलेगा दीवान ए इस्तहाक का स्थापना किसने किया, तो बोलना है फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए इस्तहाक क्या है? तो पेंशन विभाग है, फिर तुम लोग बताए थे कि जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, पूरा किया था इल्तुतमिश, लेकिन कुतुब मीनार पर दो गो और महल कौन ठोप दिया था, कौन लाद दिया था, यानी कौन बना दिया था, तो फिरोज शाह तुगलक। कोई दिक्कत है? फिर फिरोज शाह तुगलक जो मतलब जैसे फिरोज शाह तुगलक क्या क्या था, दान विभाग का स्थापना किया था, नहर का जाल बिछवा दिया था, शहर का 1200 शहर का स्थापना किया था, नहीं क्या था, तो इस समय कल्याणकारी काम भी किया था ना। इसलिए इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं अकबर का पुरोगामी, यानी जो अकबर जिस तरह कल्याणकारी काम किया था उसी तरह काम ही फिरोज शाह तुगलक भी किया था, इसलिए अकबर के पहले कर दिया था ना, इसलिए इसको बोलते हैं अकबर का पुरोगामी। क्या बोलते हैं? अकबर का पूर्व गामी। कोई दिक्कत है? तो बोलेगा अकबर का पूर्व गामी किसे कहता है, बोला फिरोज शाह तुगलक। क्या बोला है? फिर फिरोज शाह तुगलक जो है ना अपना आत्मकथा खुद लिखा था, जिसको बोलते हैं फुतुहात ए फिरोज शाही। क्या बोलते हैं? फुतुहात ए फिरोज शाही। तो बोलेगा फुतुहात ए फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है, तो बोला फिरोज शाह तुगलक का है, ठीक है ना। और फिरोज शाह तुगलक के दरबार में रहता था बरनी। कौन रहता था? बरनी। बरनी क्या लिखा था? तो बरनी लिखा था तारिक ए फिरोज शाही। तारिक है, तो बोलेगा तारिक ए फिरोज शाही किसने लिखा, तो बोलना है बरनी। क्या बोलना है? बरनी, ठीक है ना। और जब हम बताए थे तुम लोग के फिरोज शाह तुगलक से पहले था मोहम्मद बिन तुगलक का जब मृत्यु हो जाता है तो एक इतिहासकार होता है बदायूनी। क्या होता है? बदायूनी। बदायूनी क्या बोलता है कि राजा को प्रजा से, यानी सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गया। कौन बोलता था? बदायूनी। कौन बोलता है? तो बोलेगा बता किसने कहा था कि सुल्तान को प्रजा से, प्रजा को सुल्तान से
मुक्ति मिल गया। तो बदायूं ने कहा था, जिसके समय में कहा था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कहा था, यानी एमबीटी के समय में कहा था, बताया था ना। फिर तुम लोग को बताया थे कि तुगलक वंश क्या होता है, तुगलक वंश के जो अंतिम शासक होता है वो होता है गयासुद्दीन तुगलक। क्या होता है? गयासुद्दीन तुगलक होता है। और तुगलक वंश जो है ये दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा वंश था, यानी सबसे लंबा समय तक चलने वाला वंश कौन था? तुगलक वंश। सबसे छोटा कौन था? खिलजी वंश नहीं था। और तुगलक वंश के बाद ठीक है ना, इसका अंतिम शासक होगा नासिरुद्दीन महमूद होगा। तो नासिरुद्दीन महमूद को समाप्त करके ठीक है ना, नासिरुद्दीन महमूद के समय क्या होगा, तैमूर आक्रमण कर देगा 1398 में। कब करेगा? 1398 ईस्वी में तैमूर आक्रमण कर देगा। और तैमूर के आक्रमण करने के बाद ठीक है ना, तैमूर को सहायता करेगा खिजर खा। कौन सहायता करेगा? खिजर खा सहायता करेगा। तो तैमूर जब चला जाएगा तो खिजर खा को जितना क्षेत्र जीत लिया था उसको मतलब सम्राट यानी सुल्तान कौन किसको बना देगा? तो बना लेगा खिजर खा को। किसको बना देगा? खिजर खा को बना लेगा। लेकिन खिजर खा जो अपना शक्ति में इजाफा करके फिर जो है 1414 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार कर लेता है, दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। और शुरू होता है एक नया वंश जिसको बोलते हैं खिजर वंश या सैयद वंश। क्या बोलते हैं? खिजर वंश या सैयद वंश बोलते हैं, ठीक है ना। तो खिजर वंश या सैयद वंश का स्टार्ट हो गया 1414 ईस्वी से 1491 ईस्वी तक चलेगा। और खिजर वंश जो खिजर खा होता है ठीक है ना, ये जो होता है अपने आप को सुल्तान का पहाड़ी धारण नहीं करता है। सुल्तान किसको मान रहा है? तो तैमूर का पुत्र शाहरुख को। किसको मान रहा है? तैमूर का पुत्र शाहरुख को अपना ये उत्तराधिकार मान रहा है, यानी अपना अपने आप को सुल्तान को पहाड़ी धारण नहीं करता है। पहले सुल्तान को पहाड़ी कौन धारण नहीं किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा कौन है? दूसरा है खिजर खा। कौन है? खिजर खा है, ठीक है ना। उसके बाद खिजर खा के बाद खिजर खा तो हो गया था, हो गया खिजर खा। और खिजर खा क्या करता है? सैयद वंश का स्थापना करता है, सैयद वंश का स्थापना करता है। और खिजर खा में उतना इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद आता है कौन? लोदी वंश। क्या आता है? लोदी वंश। लोदी वंश का स्थापना जो करता है कौन करता है? तो लोदी वंश का स्थापना करता है बहलोल लोदी। क्या कौन करता है? बहलोल लोदी करता है, बहलोल लोदी करता है। और बहलोल लोदी लोदी वंश का स्थापना करता है। और बहलोल लोदी एक सिक्का चलाता है जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं बहलोली सिक्का। क्या बोलते हैं? और बहलोली सिक्का जो है कब तक चलता है? तो जब तक अकबर के समय तक चलते रहेगा। क्या? बहलोली सिक्का। क्या चलता रहेगा? और अकबर जो है मतलब बहलोली सिक्का को फिर समाप्त करेगा, फिर एक नया सिक्का का शुरुआत करेगा, ठीक है ना। तो इसके बारे में इतना याद रखना है कि बहलोली सिक्का शुरुआत किसने कराया था? बहलोल लोदी। किसने कराया था? और बहलोल लोदी जो है अपने जनता के समान बैठता था, यानी अपने जनता को अपने जनता बोल दिए मतलब मंत्री के समान बढ़ता था, अपना दरबारी के समान बढ़ता था, अपना दरबारी के समान अपने आप को मानता था, ठीक है ना। कौन? बहलोल लोदी। और बहलोल लोदी के बाद जो शासक बनेगा वो बनेगा कौन? इसका बेटा बनेगा सिकंदर शाह लोदी। सिकंदर शाह, और सिकंदर शाह लोदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिकंदर शाह लोदी क्या करेगा? आगरा शहर का स्थापना कराएगा। कौन करेगा? तो बोलेगा आगरा शहर का स्थापना किसने किया? तो बोला सिकंदर शाह लोदी। कब किया था? 1540 ईस्वी में किया था। फिर 1506 ईस्वी में सिकंदर शाह लोदी जो है आगरा को अपना राजधानी बना लेता है, ठीक है ना। तो प्रथम राजधानी दिल्ली और दूसरा राजधानी आगरा को बनाता है, ठीक है ना। फिर सिकंदर शाह लोदी क्या करता है? भूमि के पैमाना के लिए, भूमि के नाप के लिए एक नया पैमाना चलाता है, जिसको बोलता है गज ए सिकंदरी। क्या बोलते हैं? तो बोलेगा गज ए सिकंदरी का शुरुआत किसने करवाया था? बोलना सिकंदर शाह लोदी। सिकंदर शाह लोदी। फिर सिकंदर शाह लोदी काफ़ी कट्टर मुस्लिम होता है, ठीक है ना। इसलिए क्या करता है? गुजरात के ज्वालामुखी मंदिर पर आक्रमण करता है, और गुजरात के नगरकोट में ज्वालामुखी मंदिर था उस पर आक्रमण करता है। वहाँ के मूर्ति को लेकर उसको मतलब कसाई को मांस काटने के लिए दे देता है, मांस काटने के लिए दे देता है। कौन होता है? तो सिकंदर शाह लोदी। सिकंदर शाह लोदी दे देता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? फिर सिकंदर शाह लोदी बोले थे कि फारसी भाषा में एक कविता लिखता था जिसको बोलते थे क्या? गुरलुखी। क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? तो गुरलुखी फारसी भाषा में कविता किसने लिखा? तो बोलना है सिकंदर शाह लोदी। सिकंदर शाह लोदी। और फिर सिकंदर शाह लोदी जो है एक शहर का स्थापना करवाता है, यहाँ सिकंदर शाह लोदी ने करवाता है, वो था मुबारक, ठीक है ना। मुबारक खा करवाएगा, ठीक है ना। जो खिजर खा में रहेगा उसको बोलेंगे क्या? उसको बोलेंगे मुबारकाबार। क्या बोलेंगे? तो बोलेगा मुबारकाबार का स्थापना किसने करवाया था? बोलना है मुबारक खा। क्या बोलना है? मुबारक खा जो सैयद वंश का यानी खिजर वंश का शासक था, खिजर वंश का। फिर तुम लोग बताया था सिकंदर शाह लोदी के बाद शासक बनता है कौन? इब्राहिम लोदी। कौन बनता है? और इब्राहिम लोदी जब शासक बनता है तो इब्राहिम लोदी के समय ही क्या होता है? बाबर आक्रमण करता है। बाबर आक्रमण करता है, यानी दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम शासक कौन हो जाएगा? तो इब्राहिम लोदी होगा। कौन होगा? इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम शासक होगा। और इब्राहिम लोदी के समय क्या होगा? तो 1526 ईस्वी में आक्रमण करेगा। कौन आक्रमण करेगा?
करेगा तो बाबर आक्रमण करेगा। बाबर को निमंत्रण कौन देगा? तो इब्राहिम लोदी के चाचा यानी आलम खलोदी और इब्राहिम लोदी का सूबेदार यानी दौलत खलोदी, ये दोनों निमंत्रण देगा किसको? बाबर को निमंत्रण देगा। और बाबर जो आक्रमण करेगा 1526 ईस्वी में आक्रमण करेगा और इब्राहिम लोदी को पराजित कर देगा, जिसको बोलते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। तो बोलेगा पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। कब हुआ? तो 1526 ईस्वी में हुआ। किसका पराजय हुआ? तो इब्राहिम लोदी का पराजय हुआ और इब्राहिम लोदी जो होता है युद्ध के मैदान में मारा जाता है। तो दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक है जो युद्ध के मैदान में मारा गया, जो युद्ध के मैदान में मारा गया, कौन है? इब्राहिम लोदी, ठीक है ना। और बाबर का जीत होता है और इसी के समय से 1526 ईस्वी से अब कौन होता है? तो मुगल वंश का स्थापना होता है। और मुगल वंश का स्थापना किसने करेगा? तो बाबर करेगा। कौन करेगा? बाबर। कौन करेगा? बाबर करेगा। उससे पहले तो उनको बताया था कि जब इब्राहिम लोदी शासक होता है तो उसी समय मेवाड़ का शासक होता है राणा सांगा। कौन होता है? राणा सांगा होता है। और राणा सांगा जो है इब्राहिम लोदी को दो बार पराजित कर चुका था, एक तो 1517 ईस्वी में, एगो 1518 ईस्वी में, एगो खतेली के युद्ध में, एगो बारी धौलपुर के युद्ध में। बताए थे ना? नहीं बताए थे। इस प्रकार क्या हुआ? इस प्रकार हुआ दिल्ली सल्तनत समाप्त। क्या हुआ? दिल्ली सल्तनत का पूरा रिवीजन करवा दिए तुम लोग, जो पहले वाला वीडियो देख लेना उसके बाद ये वाला देखना था, पूरा अच्छा समझ आएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें फास्टली हम घीच दिए जो इंपॉर्टेंट था, ठीक है। कितना घंटा हुआ?